गुड मॉर्निंग, माय नेम इज गणेश. माय नेम इज विकास. वेलकम गवर्नमेंट हेडक्वार्टर टू माजा चंडीगढ़. ये हमने दो प्रोजेक्ट बनाए, इसका नाम, एक का नाम है अफोर्डेबल एग इनक्यूबेटर और दूसरे का नाम है स्मार्ट एक्वेरियम. तो पहले हम बात करते हैं इस एग इनक्यूबेटर की. तो जैसा कि आजकल जो किसान हैं, फार्मर्स लोग हैं, उनको जो एग की फार्मिंग करने के लिए बहुत महंगी महंगी डिवाइस खरीदने पड़ते हैं और जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, जो हर कोई फार्मर नहीं परचेज कर पाता. तो इसलिए हमने एक लो कॉस्ट में हमने एक एग इनक्यूबेटर बनाया है, जिसमें हमने क्या करा है, इसमें हमने हीट सोर्स के लिए एलईडी बल्ब का यूज़ करा है और एक एग्जॉस्ट फैन लगाया है. तो इसमें क्या होगा कि ये हमने एक टेम्परेचर सेंसर लगाया है जो इसके अंदर लगा रहेगा, जो इसके अंदर के टेम्परेचर को मेंटेन कर रहेगा. जैसे अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो ये एलईडी बल्ब को ऑफ कर देगा और ये एग्जॉस्ट फैन को ऑन कर देगा, जिससे क्या होगा, जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा. और अगर टेम्परेचर एक लिमिट से कम हो जाता है तो ये एग्जॉस्ट फैन ऑफ कर देगा और इस लाइट को ऑन कर देगा, जिससे क्या होगा, जो अंदर का टेम्परेचर है वो एकदम मेंटेन रहेगा, जो एग के लिए एकदम परफेक्ट रहेगा. जैसे इसमें हमने एक एलसीडी लगा रखी है, जो ये डिस्प्ले करेगी कि अंदर का टेम्परेचर कितना और ह्यूमिडिटी कितनी है. तो इससे, इस मशीन से क्या होगा कि जो फार्मर है, फार्मर को महंगी मशीन्स खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और जो हमने लो कॉस्ट में जो मशीन बनाई है उससे वो अपने एग को, एग की फार्मिंग कर सकता है चिक्स की. जैसे आप देख सकते हैं इसमें टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी भी दिखा रहा है और इसके पीछे आप देख सकते हैं हमने एक आर्डिनो का यूज़ करा है, एलसीडी रिले का यूज़ करा है जो इस एग्जॉस्ट फैन और एलईडी बल्ब को ऑन ऑफ करता है. तो इसकी जो हमारी कॉस्ट है वो सिर्फ 1000 रुपीज़ है. अगर इसे हम बड़े लेवल पे बनाएंगे किसान के लिए तो वो ज़्यादा महंगी नहीं होगी, इसे कोई भी अफोर्ड कर सकता है. उसके बाद हमने ये बनाया स्मार्ट एक्वेरियम. स्मार्ट एक्वेरियम जैसे कि हमने अक्सर देखा है कि जो घर के लोग, जो भी जिनको शौक होता है फिश पालने का, वो फिश पालते हैं. लेकिन जब उन्हें अर्जेंट वर्क के लिए कहीं जाना होता है, जैसे कि कोई अगर वो फैमिली ट्रिप के लिए भी जाते हैं, तो उनको क्या करना पड़ता है, जो फिश एक्वेरियम होता है उनको अपने किसी रिलेशनशिप के मेंबर को या फिर कोई पड़ोस को देना पड़ता है, क्योंकि फिश को एक टाइम टू टाइम उनको जो खाना होता है उनको देना पड़ता है. लेकिन उनमें एक प्रॉब्लम ये भी आती है कि जो पालते हैं, जिनके घर होते हैं, उनको तो पता होता है कब कितना और कितने देने हैं भोजन और किस टाइम पर देने हैं. लेकिन अगर हम अदर पर्सन को देते हैं तो उनको नहीं पता होता है कि उनको किस टाइम पर कितनी और फीस की, मतलब जितनी फीस है, एक अगर हमने फीस पाल रखी है, दो फीस पाल रखी है, तो उनके हिसाब से उनके अंदर खाना डालना पड़ता है. तो इसके लिए हमने ये स्मार्ट एक्वेरियम बनाया है जो कि इसके लिए हेल्पफुल होगी. और अगर जो मेंबर है वो कहीं जा रहा है, घर का पर्सन है जिसको शौक है पालने का, वो घर से बाहर भी जा रहा है, तो वो यहाँ पे आके ये कीपैड का यूज़ किया है जो कि इसमें टाइमिंग सेट कर देगा और टाइमिंग के अकॉर्डिंग उस टाइम पे ही उसको भोजन मिल जाएगा. और क्वांटिटी, जैसे कि ये कीपैड है तो इसमें हम क्वांटिटी डाल देंगे कि कितनी फिशेस हैं और उसके अकॉर्डिंग वो खाना अंदर थ्रो कर देगा. तो देखिए, जिसको बनाने के लिए हमने आर्डिनो लगा रखा है और एक कीपैड लगा रखा है और यहाँ पे एक सर्वो मोटर लगा रखा है. इसको आइए अब हम इसकी वर्किंग देखते हैं कि ये वर्क कैसे करता है. सो ये देखिए, यहाँ पे जो कीपैड है, यहाँ पे अगर आप सोच रहे हो कि जो बच्चा है वो कोई भी आके यहाँ पे कीपैड डाल दिया तो वो ज़्यादा खाना हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है. इसमें एक कंसेप्ट है कि इसके जो पर्सन है जो खरीदेगा, इसको बच्चे छेड़ सकते हैं क्योंकि इसमें स्पेशल कोड लगा होता है. तो अभी हमने इसका कोड 7060 रखा है. तो आइए सबसे पहले 7060 पे कीपैड करते हैं. उसके बाद अगर फास्ट एक फाइव फीसेस हैं तो 5 डाल के यहाँ पे एंटर कर देंगे. ये देखिए, यहाँ पे जैसे कि मोटर चल गई है, जो इसके अंदर जो ये खाना था वो इसके हिसाब से चल गई कि जो 5 है, उस जो 5 फीसेस हैं उनको कितनी चाहिए. तो ऐसे क्या होता है, ऐसे हम टाइमिंग भी सेट कर सकते हैं कि किस टाइम पे और कितनी क्वांटिटी के हिसाब से उनको भोजन चाहिए होता है, इससे कि जो फीसेस होती है वो मरेंगी भी नहीं. क्योंकि काफ़ी पर्सन होते हैं वो ज़्यादा खाना डाल देते हैं, सोचते हैं कि अभी सारा दिन पड़ा तो इसलिए ज़्यादा डाल देते हैं, जिससे कि उनकी मृत्यु हो जाती है और मछली मर जाती है. इसलिए ये उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और ये हमारा सबसे लो कॉस्ट में है और ये बहुत सस्ता मिल जाएगा. थैंक यू.